सबसे सस्ती गाड़ी देता है जो की 5 लाख के अंदर आपको एक बेस वेरिएंट मिल जाएगा एक गाड़ी का जो एसयूवी वाली लुक में आती है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर आती है, बड़े टायर्स आते हैं एज कम्पेयर टू 5 लाख के बजट के अंदर जो भी गाड़ियां आती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए 1 लीटर का टर्बो चार्ज सीवीटी वेरिएंट मेरे पास है चलाने के लिए, और इस सेगमेंट में सबसे सस्ता सीवीटी वेरिएंट एक एसयूवी लाइक बॉडी के साथ आपको इसी गाड़ी के अंदर मिलेगा। तो क्या ये वैल्यू फॉर मनी है और आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा गाड़ी चलाते टाइम पे, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की फील के बारे में। देखिए गाड़ी में जैसे आप बैठेंगे तो आपको एक रेगुलर एसयूवी जैसे नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू इन सब में जो फील आती है वैसी फील नहीं आने वाली है, क्योंकि गाड़ी के अंदर अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं तो गाड़ी में आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला, तो आपको बोनेट दिखाई नहीं देने वाला अगर आपकी हाइट 5'7", 5'8", 5'11" के आसपास है तो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपर वेरिएंट लेते हैं जिसमें आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है तो वहां पर आप बोनेट को आराम से देख सकते हैं। उसके बाद गाड़ी में जब बैठते हैं तो गाड़ी की जो सीटिंग है वो थोड़ी लोअर साइड में है, मतलब गाड़ी के अंदर बैठने के बाद आपको लगेगा कि आप एक हैचबैक गाड़ी के अंदर बैठे हैं या फिर एक कार के अंदर बैठे हैं, आपको फील नहीं होगा कि आप एक एसयूवी के अंदर बैठे हैं या फिर यू कहें कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर बैठे हैं जो कंपनी कहती है। लेकिन जैसे आप चलाना स्टार्ट करेंगे तो हाँ आपको थोड़ा फील होना स्टार्ट होगा, जैसे इसके बड़े टायर्स हैं, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है तो आपको झटकों के ऊपर आपको आसानी से चलने में मदद मिलने वाली है, तो वहां पर आपको लगेगा जी हाँ एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर बैठे हैं जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी है, बड़े बड़े टायर्स हैं। अब गाड़ी के स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो जैसे आप ये सीवीटी वेरिएंट देख रहे हैं जो हैंड ब्रेक है उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी अलग है मेरे हिसाब से, उसको थोड़ा सा और पीछे होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करेंगे, नई नई गाड़ी चलाना स्टार्ट करेंगे तो आपको PRD इन सब में पता नहीं चलेगा कौन सी जगह पे कौन सा है, तो आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा और स्क्रीन के ऊपर देखना पड़ेगा कि आप कौन से गियर के अंदर शिफ्ट हो गए, और स्टार्टिंग के अंदर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है गियर शिफ्टिंग के टाइम पे, क्योंकि जो गियर्स के बीच में गैप है ना वो थोड़ा कम है, तो क्लिक क्लिक आपको मतलब तुरंत लग जाएंगे लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा, जितना पावर आप उसको लीवर खींचने में लगाएंगे वो 2 गियर शिफ्ट कर जाएगा, यानी पी से आप एन पे आना चाहेंगे तो पी से आप एल पे चले जाएंगे, पी से आप ड्राइव पे चले जाएंगे, तो वो थोड़ी सी दिक्कत मेरे को लगी। अब गाड़ी के चलाने के बारे में बात करते हैं कि गाड़ी की जो ए पिलर है वो इतना मोटा नहीं है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन इतना पतला भी नहीं है कि आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा, बीच बीच का है, आपको थोड़ा बहुत झुकना पड़ सकता है। टाटा नेक्सॉन से कंपेयर किया जाए तो नेक्सॉन से काफ़ी पतला है, तो आपको विजिबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। साथ ही साथ स्टेयरिंग के बारे में बात करें, स्टेयरिंग के ऊपर अगर लेदर रैप वाला स्टेयरिंग आप लेते हैं तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर अगर जिनके हाथ के अंदर पसीना आता है तो वहाँ पर आपको पसीना फील हो सकता है, आपके हाथ स्लिप कर सकते हैं, तो या तो आप लेदर रैप स्टीयरिंग लीजिए या फिर आप बाहर से उसके ऊपर लेदर रैप करवा लीजिए, तो वहाँ पर आपको बेटर कंफर्ट मिलने वाला है। पिकअप के बारे में बात करें तो पिकअप काफ़ी अच्छा है, सीवीटी वेरिएंट है तो पिकअप के मामले में कोई दिक्कत नहीं, गियर शिफ्ट के मामले में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको गियर मालूम नहीं चलेगा कौन सी गियर में गाड़ी चल रही है, ऐसा लगेगा आप स्कूटी चला रहे हैं बस एक्सेलरेटर देते रहो स्पीड बनती रहेगी और गियर का पता नहीं चलेगा आपको। हालांकि आप मैनुअल चलाएंगे तो आपको गियर इंडिकेटर दिखाई दे जाएगा कौन से गियर के अंदर गाड़ी चल रही है, लेकिन सीवीटी वेरिएंट के अंदर इसमें गियर इंडिकेटर नहीं है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि गाड़ी मतलब वैल्यू फॉर मनी है, आपका बजट कम है तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। आप अच्छा प्राइस ब्रैकेट के अंदर मतलब बेसिक सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अगर आप टेक्नो पैक लेते हैं तो उसके अंदर आपको JBL के स्पीकर मिल जाएंगे, एक पेडल लैंप मिल जाएगा, इसका प्लेट मिल जाएगी, एक वायरलेस चार्जर मिल जाएगा और साथ साथ एक एयर प्यूरीफायर भी मिल जाएगा, और भी कुछ मिलता होगा मुझे एक्चुअली में याद नहीं है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें तो मिलती ही है। अब बात करते हैं गाड़ी मेरे को कहाँ कमी लगी। पूरा एक्सेलरेटर नीचे डाउन हो चुका है तो 58 पहुंच चुकी, 68 पहुंच चुकी है, कोई वाइब्रेशन नहीं गाड़ी के अंदर कि वाइब्रेट कर रहा है स्टीयरिंग व्हील, कुछ वाइब्रेट नहीं कर रहा झट। देखिए गाड़ी में जब हाई स्पीड में चलते हैं ना तो स्टीयरिंग तो भारी हो जाता है लेकिन स्टीयरिंग का रिस्पांस थोड़ा कम हो जाता है, तो देखिए जैसे मैं स्टीयरिंग को थोड़ा लेफ्ट राइट घुमा रहा हूं, तो गाड़ी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मतलब सोच के देखिए अगर आपको हल्का सा टर्न लेना है तो आपको काफ़ी स्टीयरिंग घुमाना पड़ सकता है हाई स्पीड के ऊपर, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ हो सकती है कि स्टीयरिंग को एक्चुअली में अच्छा सा बैलेंस नहीं किया हुआ है हाई स्पीड के ऊपर, लोअर स्पीड में आपको उतना फ़र्क पता नहीं चलेगा कि आपने कितना स्टीयरिंग मोड़ा है, कितना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। दूसरी बात, गाड़ी के जो NVH लेवल की बात करें तो आपको टायर्स की नॉइज़ आएगी, सस्पेंशन की नॉइज़ आएगी, मतलब क्रीकिंग वाली नॉइज़ नहीं आएगी, जब गड्ढे के अंदर जाते हैं तो वो वाली नॉइज़ जो आती है वो प्रोमिनेंटली आएगी, आपको लगेगा कि हाँ गड्ढे की आवाज़ है, गड्ढे में गई है गाड़ी, रोड के ऊपर चली है, झटका आया है, मतलब बाहर की नॉइज़ आपको डेफिनेटली आएगी,
तो एनविच लेवल के बारे में मैं कहूँगा कि इतने स्ट्रॉन्ग एनविच लेवल नहीं है गाड़ी के, मतलब इतना अच्छा इंसुलेशन नहीं किया हो गाड़ी के अंदर, लेकिन इतने कम प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको इतनी बड़ी गाड़ी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग बनती ही है। अब देखिए, जो पतले लोग हैं उनके हिसाब से बहुत बेहतरीन सीट्स हैं, लंबी सीट्स हैं, लेकिन मेरे जैसा मोटा इंसान है उसके लिए सीट्स थोड़ी टाइट फील होंगी। उसके बाद जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है, जो उसका MID कंट्रोल यानी कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है, वो मतलब इतना मज़ा नहीं आता उसको देखने में, ना एनालॉग है वो, डिजिटल जो बनाया है वो काफ़ी बल्कि बनाया है और इतना फ्लैशी कलर्स के साथ बनाया है कि जब आप रात को गाड़ी चलाएंगे ना तो आपकी आंखों में चुभने वाला है, आपकी आंखों में डिस्ट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे ये अपना चेंज करते हैं, जैसे RPM बढ़ते हैं तो उसका मीटर ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है। ये मेरी पर्सनल राय है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, आपको पसंद आ सकता है या फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, वो आपकी ऊपर है। और अब बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की। पॉजिटिव पॉइंट्स इस गाड़ी के ये हैं कि इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, तो सिटी के अंदर गड्ढे हैं, खासकर मुंबई के अंदर जितने गड्ढे हैं उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी सस्पेंशन सेटअप बनाया गया है, काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। देखने में जो ए पिलर है वो भी पतला है, अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आपको बोनट दिख जाएगा, अगर नहीं है तो आप उस अपर वेंट लेंगे जिसमें सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है तो वहाँ पर आपको बोनट दिख जाएगा बड़े आराम से। गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल है, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो उसके लिए प्लस पॉइंट निकल कर आता है। गाड़ी का अगर टेक्नो पैक लेते हैं तो उसके अंदर आपको JBL का स्पीकर सिस्टम मिल जाता है। बेसिक आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी गाड़ी के अंदर जो एक कॉम्पैक्ट SUV के अंदर आती है। हाँ, सेफ्टी के मामले में जो टॉप मोस्ट सेफ्टी फीचर्स हैं वो उसके टॉप वेरिएंट के अंदर ही आते हैं, बेस वेरिएंट के अंदर इतने सारे सेफ्टी फीचर्स नहीं आते। और गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी है, आप डेफिनेटली जाके बजट के अंदर अपने गाड़ी को बाय कर सकते हैं अगर आपका बजट टाइट है तो। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो, ड्राइव वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको मदद मिलेगी ये डिसाइड करने में कि आपको ये गाड़ी परचेस करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको मदद मिली है इस वीडियो से तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है गाड़ी के बारे में, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल MyMotorGaadi पर जाके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली कमेंट छोड़ सकते हैं। मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।